हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डिम्पल, आपकी अपनी क्रिएटिव नेल आर्टिस्ट। आज मेरा काबिनी में थर्ड डे है और फोर्थ सफारी है। अभी सफारी के लिए रेडी होके निकल रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा फॉग है तो कुछ ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा वीडियो में। हमें ए जोन मिला है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखने मिलेगा आज। हमारे आखिरी सफारी का पहला टाइगर थोड़ा दूर है तो कैमरा में कैप्चर नहीं कर पा रहे। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ अच्छे से दिखाने के लिए। ये देखो, अपना सेकंड टाइगर मिल गया। उसको देख के लंगूर या डियर अलर्ट कॉल दे रहा है, दूसरों को अलर्ट कर रहा है। जिस टाइगर को हमने अभी झाड़ियों में जाते हुए देखा ना, वो यहाँ पे पानी पीने आएगा करके प्रेडिक्ट कर रहा है। तो सब लोग यहाँ पे वाटर होल के पास हम लोग वेट कर रहे हैं। अरे इधर ही रुक, तो इधर ही रुक। कितनी जोर से अलर्ट कॉल आ रहा है। एक दूसरे को ऐसे ही हेल्प करता है यहाँ पे जंगल में। एनिमल्स, जब भी टाइगर या कोई एनिमल आता है जो थ्रेट लगे उनको, तो डियर या लंगूर वो आवाज़ करने लगता है।
अपना थर्ड टाइगर। ऑन एन एवरेज हर सफारी में हमने तीन टाइगर तो देखा ही है, एक में चार भी देखा था। उधर है, उधर है। अरे वो टस्कर है वो तो। ओ एक नंबर कड़क शॉट है यार। ओ यू बेस्ट सर पूरा संतुलन इसमें है होगा। खतरनाक आया आया। पोज मार रहा है। कितना अच्छा शॉट मिल रहा था उसको। भाग गया। इंडियन गॉड। इंडियन गॉड। एक बार नहीं। इंडियन गॉड। 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 मुझे एक और उठा हुआ था। उसका फोटो नहीं लिया करके उठ के खड़ा हो गया। हाँ चलो लास्ट सफारी भी हो गया काबिनी का, तो अभी ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। कैसे दो दिन निकल गया पता ही नहीं चला, बट ये धूल और ठंडी की वजह से मुझे सर्दी हो गई है, थ्रोट में भी थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, तो होपफुली ये अभी रुकेगा सर्दी। मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक तो पैंथर देखने मिलेगा, सो दैट एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ये था कि साया या क्लियोपात्रा, या साया इज़ ब्लैक पैंथर है और उसका जो पैर है वो क्लियोपात्रा है, वो अगर मिलेंगे तो अच्छा था। उनके साथ एक वो स्पॉट होते ही अपनी नेल्स उनके साथ दिखाऊंगी वीडियो में या फोटो में करके सोच रही थी। तो मैं नॉर्मली कोई भी ट्रिप पर जाती हूँ तो उसके लिए पर्टिकुलरली नेल आर्ट करती हूँ। ये ट्रिप के लिए मैंने ये किया है क्लियोपात्रा और साय। आई होप दिख रहा है। तो ये किया था बट इसको उनके साथ तो फोटो खींच नहीं पाई, तो ऐसे अभी वीडियो में दिखा दिया। देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी। अभी नाश्ता करते वक्त पता चला कि कुछ लोगों को आज पैंथर स्पॉटिंग हुई है। जस्ट वो लोग रिटर्न हो ही रहे थे, तो तभी पेड़ पे सोया हुआ था इट सिम्स, तो उन लोगों ने पैंथर देखा। और इससे भी ज़्यादा लकी लोग थे अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट जीप वाले, उनको साया देखने मिला। और देखो अपना नसीब देखो। एक्चुअली आज क्या हुआ कि एक टाइगर के पीछे हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया। बहुत बुरा लग रहा है कि एक भी लेपर्ड नहीं देख पाया, और साया वो बहुत मुश्किल से स्पॉट करता है, तो उसको देखने को नहीं मिला। मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम वी कैन स्पॉट इट, होपिंग सो। हमने चेकआउट कर लिया है। अभी निकलने से पहले एक छोटा सा बोट राइड करने जा रहे हैं। ये सफारी नहीं है, जस्ट वहाँ पे बोट्स है और एक ओरेकल है और एक रूफ रहने वाला है। तो अभी ऑलमोस्ट दोपहर है, तो
12 बजे के आसपास हो गया अभी, तो हम लोग अरेकल में नहीं जा रहे, जस्ट एक एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के लिए टॉप रहने वाला एक बोट में थोड़ा सा जाके 10-15 मिनट जाके एक्सपीरियंस करके लौटेंगे। बोट राइड ख़त्म करके हम लोग वायनाड के लिए जा ही रहे थे, तो रास्ते में हम लोगों को ये टस्कर मिल गया। आई थिंक उसको बहुत गर्मी लग रही है तो मस्त पानी से नहा रहा है कि खेल रहा है, कुछ तो कर रहा है। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा चलने वाला है, जब तक हम लोग वायनाड पहुँचेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि वायनाड के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो तब तक के लिए ये वीडियो एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।